नमस्कार दोस्तों, KarchiTod.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अंडा करी कैसे बनाते हैं। अंडे करी की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, जिसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट में खाते हैं। कुछ लोग अंडे को वेजिटेरियन भी बोलते हैं, इसीलिए हमारा पहला डिश इस .com में है अंडा करी। आइए सीखते हैं कैसे बनाते हैं अंडा करी। अंडा करी बनाने के लिए पहले कुछ अंडे ले लिए हैं हम लोगों ने। इन अंडों को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करते टाइम अंडों में नमक देना ना भूलें। अगर आप अंडों में नमक देंगे तो अंडे फटेंगे नहीं। मैंने कुछ प्याज लिया है, दो प्याज। आप प्याज दो तीन चार जितने भी ले सकते हैं। मैंने तीन प्याज काटे हैं, और इसे आप बारीक भी काट सकते हैं, बिना बारीक भी काट सकते हैं। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, क्योंकि मेरे को मसाले के साथ प्याज को पकाना है। हम लेंगे डेढ़ से दो टमाटर, मिर्ची जितनी आप खाते हो। मैंने कम मिर्ची लिया है, आजकल हम लोग मिर्ची मसाले पे कम खा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने मिर्ची कम लिया है। अंडे को बॉईल होने के बाद अंडे को फ्राई करेंगे। अंडे को डीप फ्राई कर दे, कोई भी ऑयल ले सकते हैं फ्राई करने में। मैंने तो सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप जो भी ऑयल खाते हैं उन ऑयल में आप फ्राई कर सकते हैं। अब हम पहले पैन को गर्म करेंगे। पैन में एक बूंद भी तेल ना रहे, एक बूंद भी पानी ना रहे, इतना गर्म कर दे। अब हम इसमें दो टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने दो ढाई टीस्पून ऑयल डाले हैं। तेल गर्म होने का हम इंतजार करेंगे। अब तेल गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई। आप राई बोले, मस्टर्ड सीड बोले, हमने ब्लैक मस्टर्ड सीड लिया है। राई होने के बाद, राई डालने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, एक टेबल स्पून। तो एक टेबल स्पून जीरा, एक टेबल ऑफ राई, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। इसको एसपर्टिडो भी बोलते हैं, एसपर्टिडो भी बोलते हैं, और हींग भी बोलते हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। राई, हींग और जीरा हो गया। उसके बाद हमने जो बारीक कटे हुए मिर्च लिए थे, हरी मिर्ची, वो डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद हम डालेंगे इनमें प्याज। इसे कितनी देर भूनना है, मिर्च का कलर जैसे चेंज हो जाए थोड़ी सी मिर्च का कलर चेंज होते ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। दोस्तों प्याज के बाद अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। मैंने एक टी टेबल स्पून नमक लिया है, आप जितना नमक खाते हो उस हिसाब से डाल दें। प्याज और नमक एक साथ इसलिए डालते हैं क्योंकि प्याज को ये जल्दी गलाने में मदद करता है। अब इसे मैं 5 से 10 मिनट तक भूनूंगा, जब तक प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप प्याज को इस तरह ढक के भी रख सकते हैं, बस समय समय पे इसे मिलाते रहे। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट खाने में जायका को बढ़ा देता है। मैंने मार्केट से लाया हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज किया है, जो कि रेडीमेड है। आप घर में इसे मिक्सर या ग्राइंडर में पीस करके डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने की विधि के लिए मेरा सेपरेट वीडियो देखें, हमने उसमें दिखाया है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पे कैसे बनाया है। अब आप देखें प्याज का कलर चेंज हो रहा है, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज अब गोल्डन ब्राउन लगभग हो चुका है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं 1 से 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालता हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट
डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़े थोड़े से भुनाएं, भूनें। इसे करीब 15-20 सेकेंड तक या आधे मिनट तक भूनते रहें। जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट हो जाए अब हम इसमें कटे हुए टमाटर जो हम लोगों ने लिए थे उसे डाल देंगे। दोस्तों कटे हुए टमाटर डाल के टमाटर को चलाएं। डिफरेंट डिफरेंट चैनल में डिफरेंट डिफरेंट विधि बताई जाती है, पर हमारी विधि अलग है। आप टमाटर को ढक के रखें और इसे चलाते रहें, तब तक चलाएं जब तक टमाटर प्याज के साथ पूरा गल ना जाए। तो अब हम इसे ढक देंगे और नियमित समय पे चलाते रहेंगे। दोस्तों आपने जैसे देख रहे हैं टमाटर पूरा गल गया है प्याज के साथ। इसे हम लोगों ने गलाने के लिए लिया 5 मिनट का टाइम। मैंने अब हाई फ्लेम कर दिया था और हाई फ्लेम पे अभी तक कुकिंग करते, अब यहाँ से हमारी कुकिंग होगी स्लो फ्लेम पे। अब यहाँ से कुकिंग स्लो फ्लेम की क्यों होगी, क्योंकि मसाले को पकने में समय लगता है। मैंने ले लिया है लगभग 1/2 टीस्पून और हल्दी। हल्दी के बाद हम लेंगे धनिया। हमने लिया 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया और 1/2 टेबल स्पून ऑफ हल्दी। आप धनिया अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको धनिया का टेस्ट पसंद है तो धनिया आप ज्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च हम लोग कम ही खाते हैं, इसीलिए हम लोग कम लाल मिर्च ले रहे हैं। आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च खाने में तीखा नहीं होता है, बट आपके खाने में लाल रंग का जाए टेस्ट नहीं, लाल रंग का कलर ले आएगा। तो लाल कलर के लिए मैंने डाल दिया इसमें कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून। फिर दोस्तों क्योंकि गरम मसाला खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इस पर डाला है 1 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला। 2 टेबल स्पून आप डाल दें। गरम मसाला भी आप अपने स्वाद के अनुसार चेंज कर सकते हैं, आप जितना गरम मसाला खाते हैं। मैंने 2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला डाल दिया है। कुछ लोग गरम मसाले को अंत में डालते हैं गार्निश करने के लिए, बट मुझे गरम मसाला पकाने के बाद खाने में ज़्यादा पसंद है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे स्लो फ्लेम में मसाले को पकाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी ये सूख गई है, आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। पानी एकदम थोड़ा सा डालें, एकदम थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर इसे स्लो फ्लेम में। अब यहाँ से सारा खाना हमारा बनेगा स्लो फ्लेम में। अब यहाँ इसे स्लो फ्लेम में आप करीब करीब 10 से 15 मिनट पकाते रहे। अगर आपको फिर भी लगे कि ये पैन को पकड़ रहा है नीचे, तो आप थोड़ी थोड़ी पानी डालते रहे। कृपया ध्यान दें पानी ज़्यादा ना डालें, थोड़ी थोड़ी पानी डालते रहें। दोस्तों हम लोगों ने जो अंडे को फ्राई किया था, इससे अंडे के ऊपर में एक अलग सी स्किन आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अंडे में छेद कर देंगे। मैंने फोक का यूज किया है, आप माचिस की तीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें लगभग बहुत सारे छेद कर दें। छेद करने से क्या होता है, मसाले अंडे के अंदर घुस जाएगा और अच्छे से पकेगा। दोस्तों हमारा मसाला पक के तैयार है। अब हम मसाले को करीब 15 मिनट तक मैंने स्लो फ्लेम में पकाया है। मसाले को कृपया हाई फ्लेम में नहीं पकाया क्योंकि मसाला चिपक जाता है। अब इसमें मैं अंडे डाल दूंगा। अंडे में इसलिए अभी डाला क्योंकि अंडे और मसाले का मिश्रण अच्छे से हो गया है। अंडे मसाले को ऐसे मिश्रण करके आप 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। एक बार आप अंडे मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आप इसमें डाल दें पानी
पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने करीब करीब एक ग्लास पानी डाला है। अब इसे अच्छी तरह मिला लें और स्लो फ्लेम में, लो आंच में इसे पकने दें। दोस्तों, कुछ लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं, अगर आप खट्टा खाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा इसमें आप थोड़ी सी दही भी अभी डाल लें। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही डालने से ग्रेवी हमारी थिक हो जाती है और ग्रेवी में थोड़ा खट्टापन आ जाता है। तो आप अगर खट्टापन चाहते हैं तो आपको मैं बोलूंगा 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल दें। कुछ लोग बेसन डालना भी पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें बेसन डालेंगे कि नहीं। दही डाल के इसे अच्छे से मिला दें। इसे मिलाने के बाद अब इसे पकने दें करीब 10 से 15 मिनट स्लो आंच में। दोस्तों, जैसा हम लोग मैंने आपको बताया था, इसे 15 से 20 मिनट तक हम लोगों ने कम आंच पे धीरे 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 पकने दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो चुक गई है और ये अब तैयार है। तैयार होने के लिए अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने बारीक कटे हुए धनिया ले लिया है। अब बारीक कटी हुई धनिया इसमें डाल दें। धनिया से एक अलग सा स्वाद आ जाता है डालने से, धनिया के पत्ते डालने से। और हम लोगों ने इसे डाल के इसे मिला देना है और आप अपने गैस को ऑफ कर दें। अब इसे ढक के 5 मिनट तक छोड़ दें, फिर इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। तो हमारा पहला डिश अंडा करी आज तैयार हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट देना ना भूलें। हम लोग एक नौ सीखे हैं और हमारा मकसद ही है पूरी जनता को सिखाना। ये वीडियो खास करके स्टूडेंट्स लोगों के लिए या फिर वैसे बैचलर्स जो अकेले रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और आगे मिलते हैं।